डिग्री में कल हमने तीनों लिखकर फिर उसको पहचाना, आज हम क्या परिवर्तन कर दिया कि केवल पॉजिटिव डिग्री दी गई है। अब जरूरी नहीं है इसमें पॉजिटिव ही आए, इसमें पॉजिटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव भी लगा सकते हैं, कंपेरेटिव भी आ सकती है और सुपरलेटिव भी आ सकती है। कल तो मैंने तीनों दिए, तीनों में से एक चूज करना था, आज और आगे बढ़ते हुए हमने एक ही देकर उसमें से अपने को लगाना है। पॉजिटिव आए तो पॉजिटिव, कंपेरेटिव आए तो कंपेरेटिव, सुपरलेटिव आए तो सुपरलेटिव। अपनी स्थिति को देखकर हम कैसे प्रकृति को पहचान करके लगाते हैं वैसे अपने को लगाना है। जैसे रीता इज देन रानी, रीता जो है रानी से लंबी है, टॉल मन लंबा हो गया, रीता रानी से लंबी है, तो ये डिग्री कौन सी है? तो अपने पास टॉल में टॉल है, टॉलर है और टॉलेस्ट है, तीनों हो गई। तो इसमें से कौन सी लगेगी अब ये देखना, या तो एक ही दे रखी है पॉजिटिव, बाकी तीनों अपने को देखने हैं। तो अब वाक्य जब हमने पढ़ा कि रीता रानी से लंबी है, तो यह एक हम कंपेरिजन कर रहे हैं, इसलिए कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। जहाँ देन आ जाए वहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री काम करेगी, जब दो नाम आ रहे हैं। तो रीता इज, कंपेरेटिव में क्या लगाते हैं? टॉलर लगाते हैं, तो रीता इज टॉलर देन रानी। दिस इज द ट्रेन, दिस इज द ट्रेन, ठीक है, यह लिखा हुआ है दिस इज द ट्रेन, और फास्ट माने तेज। तो फास्ट की डिग्री में कैसे लिखते हैं? जैसे फास्ट लिख दिया, फास्टर हो गया, फास्टेस्ट हो गया, यही है फास्ट, फास्टर और फास्टेस्ट, ठीक है ना। अपने को अब कौन सा लगाना है ये आपको वाक्य पढ़ के बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या कंपैरिजन हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या यह एक पॉजिटिव डिग्री है या सुपरलेटिव है? तो दिस इज द सबसे तेज ट्रेन है, ये आगे द भी लगा हुआ है, तो द लगता है सुपरलेटिव डिग्री के आगे। तो ये पॉजिटिव, ये कंपेरेटिव और सुपरलेटिव यहाँ लग रही है, उसको हम बोलेंगे फास्टेस्ट, द फास्टेस्ट ट्रेन। आगे बात समझ में। ए फुटबॉल इज देन ए क्रिकेट बॉल, फुटबॉल जो है वो क्रिकेट बॉल से बिग है, मतलब बड़ी है, फुटबॉल जो है क्रिकेट बॉल से बड़ी होती है, यहाँ बिग लिखा हुआ है, देखो ये नीचे लिख दिया मैंने। तो अब डिग्री तीनों लिखें तो बिग डबल जी हो जाएगा बिगर और हो जाएगा बिगेस्ट, तीनों आ गई। अपने को किसका प्रयोग करना है? तो दोनों, दो अलग अलग देखो तुलना कर रहा है फुटबॉल से और क्रिकेट की बॉल से, इसका मतलब डिग्री कौन सी हुई? कंपेरेटिव डिग्री हुई। तो कंपेरेटिव डिग्री में बिगर का प्रयोग करते हैं, बिग का नहीं करते, बिग पॉजिटिव है। तो द फुटबॉल इज द बिगर देन ए क्रिकेट बॉल। सोहन इज ए बॉय टॉल, सोहन लंबा लड़का है, टॉल का टॉल हो गया, टॉलर हो गया, टॉलेस्ट हो गया, पहले में आया भी था ये भी। तो अब यहाँ पर कंपेरेटिव तुलना करने के लिए, सोहन की बात कर रहे ना, तो तुलना करने के लिए तो नहीं है, हमने ये भी नहीं कहा सोहन सबसे लंबा लड़का है, ऐसा भी नहीं है। तो केवल यार दा भी नहीं आ रहा है, इसलिए यह पॉजिटिव डिग्री में आएगा, यानी टॉल बॉय आ जाएगा, सोहन इज ए टॉल बॉय, सोहन लंबा लड़का है, ना तो कंपेरेटिव में आएगा ना ही सुपरलेटिव में आएगा। सोहन इज द बॉय इन द क्लास, सोहन कक्षा में होशियार है, सबसे होशियार है पूरी कक्षा में, इन द क्लास यानी पूरी कक्षा में सबसे होशियार है, इसका मतलब डिग्री हो गई सुपरलेटिव। इंटेलिजेंट में कंपेरेटिव करेंगे तो मोर इंटेलिजेंट लगा देंगे, सुपरलेटिव करेंगे तो क्या लगा देंगे? मोस्ट इंटेलिजेंट लगा देंगे। तो अपने को कौन सा लगाना है? तो द लगा हुआ है और पूरी कक्षा में सबसे होशियार है, तो मोस्ट इंटेलिजेंट लगाएंगे, हमने क्या लिख दिया? मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, सोहन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास, कक्षा में सबसे होशियार मोहन,
जो है सोहन है। तो यहाँ पर डिग्री के इन अंशों को भी हमने देखा कि किस प्रकार अपने को समझदारी से केवल पॉजिटिव है लेकिन अन्य डिग्री का प्रयोग भी अपने को वाक्य पढ़ने के बाद करना है।